कि अरे छोड़ी, खैर मनाओ के चारों तरफ कैमरा लगा है, नहीं तो फुकरा इंसान के हाइट और डोले सोले देख के लगता नहीं कि तुम उसका एक भी झेल पाओगी। तमाचा, हम बहुत शरीफ लौंड है, हम गलत बात करते ही नहीं ना। बिग बॉस, आजकल वो यूट्यूबर भी बिग बॉस देख रहे हैं जो कभी बिग बॉस का नाम सुनते ही बोलते थे। हाँ, और अभी सभी यूट्यूबर का बिग बॉस देखने का बस दो रीजन है जो हम और तुम दोनों जानते हैं, पहला फुकरा इंसान और दूसरा पुनीत सुपरस्टार। हाँ, वो पता लगा कि पुनीत सुपरस्टार को पहले दिन ही निकाल दिया गया, और उनको निकालने का रीजन क्या था, उसने टट्टी फ्लैश नहीं किया था। नो, इसका मेन रीजन ये था कि ही इज द ओनली वन मैन जिसने बिग बॉस के घर में जाकर बिग बॉस कहीं नहीं छोड़ दिया, और वो भी बहुत बुरी तरह। और घर के निकल जाने से मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं। खा लिया, खा लिया। मैं घर के अंदर भी ऐसा ही हूँ, घर के बाहर भी ऐसा ही हूँ, क्योंकि बिकॉज़ आई एम रियल। तुम्हें रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो। यार के तुम लोगों को मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। ये बात बहन अब तुम ही बताओ, कोई अपना धन खिला के इतना बेइज्जती कैसे सह सकता है, और वो भी ऐसा कि पूछो ही मत। इस बार बिग बॉस का कुछ एपिसोड हम भी देखे। बात ऐसा है कि जब कोई 12 यूट्यूबर बिग बॉस देखते थे तो वो आकर बोलते थे क्या बकवास है, टाइम वेस्ट है, ये है वो है, मतलब बुरा ही बोलते थे। तो फिर हम सोचे कि बिग बॉस सच में इतना बुरा, तो हम भी 2 एपिसोड डाउनलोड कर लिए, जिसको देखकर हमें लगा चप्पल कहाँ, मतलब यार इतना बकवास भी शो हो सकता है, ये हम जैसे नादान परिंदे को पता ही नहीं था। तब ने कहा कि बिग बॉस वाले यूट्यूबर को कब से मौका देने लगे भाई, इसका मतलब तुम कुछ समझे छोटू, इसका मतलब ये है कि बिग बॉस वालों को भी पता चल गया है कि अब सिर्फ टीवी सीरियल वालों से घर नहीं चलने वाला है। तो चलो, अब इसको इतना झेल भी किए तो थोड़ा और सही। तो आज इस वीडियो में बिग बॉस के कुछ मेन मेन कंटेस्टेंट को रिव्यू करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं इस नादान परिंदा के बारे में। इसका नाम है बेबिका, जो अपने आप को एक माइंड रीडर बताती है, लेकिन हमें देख के ऐसा लगा कि अगर ये गलती से भी खुद का माइंड पढ़ लेगी तो खुद ही पागल हो जाएगी, ये सोचकर कि हैं हम इतना पागल है, और जब इस पागल को पता चलेगा कि इतना पागल है तो और पागल हो जाएगी। हैं, ये काका बोल दिए, अरे ए मारो इस। खैर, इसको आता जाता कुछ नहीं है सिवाय फुटेज लेने के, और फुटेज लेने के लिए भी उसी से लड़ती है जिसको ये लोग बोलते हैं यूट्यूबर ही तो है। वो बारे में बुरा बोल रहा था अभिषेक, अभी उसके साथ ही जाके बैठा हुआ है, क्योंकि इवेंचुअली है तो वो भी यूट्यूबर ही। हाँ, वो बात अलग है कि एक यूट्यूबर पूरे टीवी सीरियल वालों का डिक्ची बजाए हुए है। और हाँ, ये वही नादान परिंदा है जिसने फुकरा इंसान को नमर्द बोली थी। तो हम इनको एक बात कहना चाहते हैं कि अरे छोड़ी, खैर मनाओ के चारों तरफ कैमरा लगा है, नहीं तो फुकरा इंसान के हाइट और डोले सोले देख के लगता नहीं कि तुम उसका एक भी झेल पाओगी। तमाचा, हम बहुत शरीफ लौंड है, हम गलत बात करते ही नहीं ना। खैर, अब बात करते हैं दूसरा कंटेस्टेंट पूजा भट्ट के बारे में। तो ये हमारे बाप चाचा के जमाने का एक फिल्मी हीरोइन है जो इतना फेमस है कि इन्हें बिग बॉस में आने से पहले कोई नहीं पहचानता था। ये क्या हो गया? हाँ, और ये वही पूजा भट्ट है जिसकी बिग बॉस में सबसे बनती है सिवाय फुकरा इंसान, रीजन क्योंकि वो उनका चाटता नहीं है तलवा। खैर, पूजा भट्ट जो अपनी डेली की दिनचर्या में दो चीज करना कभी नहीं भूलती है, पहला चुगाली करना और दूसरा ज्ञान फेंकना। टीन एज ना, जब लोग अपने बॉडीज को एक्सेंचुएट कर रहे हैं सब जगह, आई वुड रादर टेक थिंग्स आउट, आई डोंट वांट टू गेट स्पेसिफिक्स। मतलब यार, ये इतना ज्ञान फैलती है कि एक एपिसोड में ही मेरा कान जवाब देने लगा, क्या रे बस करो बे, इससे ज्यादा हम और ज्ञान नहीं झेल सकते। अब जैसे देखो, यहाँ पर बिग बॉस वालों ने सबसे कहा कि सब अपना अपना एक रैंक चुनो और उसको एक्सप्लेन करो कि तुम कैसे डिजर्व करते हो। तो सब ने अपना अपना एक रैंक चुना और उसको एक्सप्लेन भी किया। अब जैसे फुकरा इंसान वाला, तुम देखो, आई डिजर्व नंबर 1 इसलिए बिकॉज़ डे 1 से आई फील मैंने जितने भी टास्क है उन चीजों में सबसे लाइक आई ट्राइड माय बेस्ट, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, मोस्टली हमने जितने टास्क करे हैं उसमें से हम सारे मोस्टली जीते हैं, एंड आई फील मैंने जितने भी मेरे आर्गुमेंट्स हैं उनको पेश करा है, जो मेरी ओपिनियन है उनको पेश करा है, सबकी सबको समझने की भी कोशिश करी है यहां पर। ठीक है, समझ में आ गया। अब जब बड़ी पूजा भट्ट का आता है तब देखो, अंग्रेजी में कहते हैं कि द प्रॉब्लम विद द रैट रेस इज दैट इवन इफ यू विन यू आर स्टिल द रैट। अरे बस करो ज्ञानी देवी, आपको सिर्फ एक रैंक चुनने के लिए बोला गया है, ज्ञान मारने के लिए नहीं। चप्पल कहाँ? तीसरा कंटेस्टेंट तो ये है अविनाश, जो बिग बॉस में क्या करने आया है वो इसे भी पता नहीं है, क्योंकि ये बैल बुद्धि सारा दिन तो फुकरा इंसान के पीछे ही पड़ा रहता है। समझ ही गए होगे। और हाँ, देविका के साथ फुकरा इंसान को जनानी बोलने में ये भी था। तो हम दो शब्द इनको भी कहना चाहते हैं कि 5-5 मिनट का टाइमर लगा के देख लो कौन ज्यादा देर तक टिक पाता है अखाड़ा में। चप्पल कहाँ? तो चलो आज के लिए बस इतना ही। तो फुकर और मनीषा के लिए ऑल द बेस्ट, और बाकी सब के लिए ऑल द रेस्ट।
अब इसका मतलब क्या होता है ये मत पूछना, क्योंकि हम भी नहीं जानते हैं। ये बस राइमिंग बैठे तो ऐसे ही बोल दिए। कैसा लगा? खैर छोड़ो, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम।